नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। कोरोना वायरस की वजह से लागू हुए लॉकडाउन में लाखों प्रवासी मजदूर अपने घर वापस लौटे हैं। इन मजदूरों के सामने रोजगार का संकट है। संकट को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार नाम से एक अभियान की शुरुआत की है। इस योजना का विचार कैसे आया, इसकी जानकारी भी बेहद दिलचस्प है। देखिए रिपोर्ट। साथियों, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत आपके गांव के विकास के लिए, आपको रोजगार देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना का आइडिया उन्नाव के एक स्कूल में रह रहे मजदूरों की वजह से आया। जी हां, योजना की लॉन्चिंग करते हुए पीएम मोदी ने इसके बारे में विस्तार से जानकारी देकर सबको चौंका दिया। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव की घटना का जिक्र करते हुए कहा, उन्नाव के क्वारंटाइन सेंटर में दक्षिण भारत के मजदूरों को रखा गया था। इन मजदूरों को रंगाई पुताई में महारत थे। इन मजदूरों ने क्वारंटाइन सेंटर की रंगाई पुताई करके स्कूल का रंग रूप ही बदल दिया। इस खबर को मीडिया में देखकर मैंने गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करने का मन बना लिया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि आप सोचिए कितना टैलेंट इन दिनों वापस अपने गांव लौटा है। देश के हर शहर को गति और प्रगति देने वाला श्रम और हुनर जब ग्रामीण इलाकों में लगेगा तो इससे राज्य के विकास को भी गति मिलेगी। पीएम मोदी ने बताया कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के 116 जिलों में ये अभियान पूरे जोरों शोरों से चलाया जाएगा। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत गांवों के विकास के लिए, ग्रामीणों को रोजगार देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। इस राशि से गांवों में रोजगार के लिए, विकास के कामों के लिए करीब 25 कार्य क्षेत्रों की पहचान की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।